हेलो एवरीवन आई एम वैशाली सो आज की वीडियो में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे जैसे अगर आपसे मैं बात करूं तो मैंने रियल एनालिसिस की सीरीज़ अपने चैनल में स्टार्ट करी जिसमें रियल एनालिसिस मैं अभी सी एस नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूं और बीच बीच में बताती रहती हूं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके गेट में भी काम में आएंगे तो एक दो वीडियोज़ मैंने डाल दी जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सी एस नेट में हम रियल एनालिसिस कितनी तैयार करें सारे टॉपिक्स करें क्योंकि हम भूल जाते हैं रियल रियलसिस के टॉपिक्स या रियल रियल्सिस के क्वेश्चन हमसे अटैप्ट नहीं हो पाते हैं तो रियल एलिस के टॉपिक्स को रियल एनलिस के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से तैयार करें ताकि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस करें तो सारे करें बट इतने करें कि जितने में हम नॉमिनल नंबर रियल एल्स से भी ग्रैप कर सकें और कुछ हम क्वेश्चंस जब करें तो अफिशियंटली करें ताकि क्वेश्चन सही हो तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इस वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैंने पहले आपके साथ कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं जिनको आई होप मैं आपको समझा के बता सकूँ कि रियल एल्सिस को आपको कैसे तैयार करना है उसके बाद अगर आप इस वीडियो में आगे जाएंगे तो देखेंगे कि हर एक टॉपिक में कितने मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन और कितने मिनिमम नंबर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी रहती है तो एक बार मैं यह भी बता दूंगी इस टॉपिक का इतने वेटेज रहता है ताकि आप उस हिसाब से कोई जरि नहीं सारे टॉपिक्स करें बट मिनिमम टॉपिक भी कवर कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट सबसे पहले जब आप रियल्सिस को पढ़ें तो रियल्सिस को बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को किसी भी थ्योरम को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से रीड करें उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से समराइज करें क्योंकि रियल्सिस का अगर हम पहला ही टॉपिक लें जिसमें हम पढ़ते हैं काउंटेबिलिटी के बारे में तो आपको काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट काउंटेबल आपको डिन्यूमरेबल इन्यूमरेबल फाइनाइट एम टी ट्रांसफाइनाइट ऐसे टर्म्स के बारे में बहुत थॉरुली पता होना चाहिए कार्डिनलिटी पावर सेट इन सब के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि जब भी आप रियल को पढ़ना शुरू करें तो प्लीज़ एक तो बेसिक से पढ़ें बेसिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रियल एनालिसिस तो बेसिक से पढ़ें बेसिक को बहुत अच्छे से समझें उसके बाद जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ें तो उसको समझ आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर ना समझ में आए तो एक दो बार उस डेफिनेशन को पढ़ें उस डेफिनेशन को लिखें अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि रियल एनालिसिस को आप हवा में पढ़कर मतलब आसानी से पढ़ के समझ जाएंगे तो ऐसा रियल एनालिसिस नहीं है रियल एनालिसिस क्योंकि थियोरटिकल सब्जेक्ट है एनालिसिस वाला सब्जेक्ट है तो इट टेक्स योर टाइम एंड इट वॉन्ट्स यू टू बी पेशेंस वाइल रीडिंग दैट सब्जेक्ट यह ध्यान रखेगा नेक्स्ट जब भी हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की तो कैसे करना है आपने कोई टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक को आपने समझा उस टॉपिक के पहले अपनी बुक से डूएबल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें मतलब जो उस टॉपिक को आपको और बताएं कि अच्छा इस डेफिनेशन का ये ये मतलब आ रहा है जब क्वेश्चन करें तो डेफिनेशन और अच्छे से खिल के समझ में आती है ना जितनी हमें थ्योरी से समझ में नहीं आती तो हमेशा कोशिश करें कि उनके क्वेश्चन करने की कोशिश करें जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको एसेंस ऑफ थ्योरम समझ में आएगी एसेंस ऑफ डेफिनेशन समझ में आएगी वो समझने के बाद जब आपको लैंग्वेज और concept समझ में आए तब आप exam को attempt CSIR, ITGEM, GATE, तो आप जिस भी 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 एग्जाम को अटेम्प्ट दी 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 और 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 गेट तो उसके फिर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं आप इसके डुएबल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं नाउ यू आर जंपिंग टू वर्ड्स पीवाई क्यूज तो आपको लैंग्वेज और क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा अच्छा आपका माइंड ओपन हो चुका होगा आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे भले ही आप आंसर शायद गलत भी कर दें पहले दूसरे बारे में बट लेकिन आप पहले से एक अच्छी स्थिति पे पहुंच चुके होंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो ठीक है तो पहले डेफिनेशन्स अच्छे से समझनी है उसके बाद डुएबल क्वेश्चन की बुक से प्रैक्टिस करनी है उसके बाद हमें क्या करना है और पी वाई क्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है ताकि उन क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं एक ही महीना बचा है मैं तो पी वाई क्यूज से ही करूंगा इट्स फाइन अगर आपको बहुत अच्छे से थ्योरम थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन आ चुके अब थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके तो ऑब्वियसली यू कैन गो अहेड विथ योर पी वाई क्यूज़ पी वाई क्यूज़ लगाइए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और करिए नेक्स्ट ट्राई पी वाई क्यूज ऑफ़ सी एस आर नेट गेट सी ई टी पी जी आई आई टी जैम जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो ये ना सोचें कि हमारे पास क्वेश्चन बहुत कम है हम सिर्फ सी एस आर का एग्जाम दे रहे हैं तो सी एस आर के ही क्वेश्चन करेंगे अगर वो आपका टॉपिक गेट में आता है या फिर आई आई टी जैम में आता है या सी ई टी पी जी में आता है तो आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं प्लीज़ ये ना सोचें कि सी एस आर खिलाफ आप बाकी सबका लेवल बहुत आसान है नहीं जब आप क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि इनके क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चन के पैटर्न है दे आर आल्सो गुड इनफ फॉर यू टू लर्न आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो नेक्स्ट मेक सेपरेट रजिस्टर्स फॉर थ्योरी एंड पी वाई क्यूज जब भी रियलिस जैसे टॉपिक को पढ़ें या किसी भी टॉपिक को पढ़ें आप दो रजिस्टर बना के चलें एक में आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए सिर्फ थ्योरी के जहाँ पे आप डायरेक्टली उस पेज पे जाएं और उसकी थ्योरम्स या उसके कॉन्सेप्ट्स को देख सकें दूसरे पेज में आपके पी वाई क्यूज का कलेक्शन

तो पीछे का हम भूल जाते हैं बी इन ट्यूज आप इसकी थ्योरी को भीलाइजर साथ साथ भी जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे के अगर मैं सीक्वेंस के पीवा क्यूज चेक तो पहले मैं ये कि के कौन से क्वेश्चन है जो मैं खुद से कर पा रही हूं और किस तरीके से मेरे क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ अगर इनकेस मैंने गलत किया तो मैं सोल्यूशन को देख के समझ पाऊंगी कि मैंने आधा क्वेश्चन है कि मैंने पूरा क्वेश्चन सही किया है तो मैं की मदद से उस को आगे सीखने की कोशिश करूंगी प्रैक्टिस तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम सीएसआई नेट के, के देखिए अगर आपका टॉपिक गेट में भी आता है वो वाला जो सीएसआई में आ रहा है तो आप कुछ क्वेश्चंस गेट के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस तो के सेम ही होते हैं वे ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है वैसे भी जो हम गेट के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं वो पार्ट बी में सी के क्वेश्चंस उसी तरीके के आते हैं तो वहां भी आपको हेल्प मिल जाती है इफ़ यू अटेम्प्ट पीवाई क्यूज चेक ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शंस कवर्ड कभी भी किसी भी पीवाई को जब अटैम्प्ट करें तो उसके चारों उसके चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझें उन चारों ऑप्शंस को समझने के बाद आप उसमें उसके ऑप्शंस को टिक या को सही या गलत कर सकते हैं कवर लिमिट पोर्शन लिमिटेड पोर्शन ऑफ रियल्स विच यू आर एबल टू अटेम्प्ट इन द एग्ज़ाम सो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम बहुत जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स पढ़ लें उनके पी कर लें क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आप पूरी रियल अटैम्प्ट कर सकें जो सिक्सटी टू सेवेंटी मार्क्स की आती है ज़रूरी वो है जो आप एग्जाम में टॉपिक रिवाइज़ बार बार करने के बाद ही जब जाएंगे तो ये वो करें जो आप करेंड्रेड एंड के साथ कर पा रहे हैं तो सारे पोर्शन पोर्शन की जगह लिमिटेड करें करें बट अच्छे से तैयार अब आ जाते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो होता है काउंटेबिलिटी और उसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, है क्वेश्चन तो आपका इसमें सी एस एन नेट के एग्जाम में आता है कुछ पार्ट बी में आते हैं और कुछ पार्ट सी में आते हैं वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पॉइंट सेट टोपोलॉजी और काउंटेबिलिटी uh, के आपके पार्ट बी के क्वेश्चन आते हैं इसके टोटल मार्क्स छः नंबर से लेके नौ मार्क्स तक वेरी करता है तो मिनिमम छः मार्क्स के क्वेश्चन देखे गए और मैक्सिमम नौ मार्क्स तक का क्वेश्चन देखा गया तो मैंने वही कहा अराउंड टेन मार्क्स तक का आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी और काउंटेबिलिटी एग्जाम में आता ही आता है तो अगर आप इसी पोर्शन को अच्छा कर लें इसकी डेफिनेशन अच्छी कर लें इसके पी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आप यहाँ से आठ से नौ नंबर स्कोर हर हालत में कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो पार्ट सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका मिनिमम सात नंबर का क्वेश्चन और मैक्सिमम पंद्रह नंबर तक का इस टॉपिक से आया है ठीक है तो आई होप ये आपको पता चला होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज विच वन ऑफ द गुड टॉपिक तो कोई जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस के सारे क्वेश्चंस करें आप खाली पार्ट बी के टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें आपको आंसर्स कैलकुलेट करने के बाद मिल जा रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को तैयार करिएगा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सीरीज ऑफ रियल नंबर तो सीरीज ऑफ रियल नंबर तीन से लेकर छह नंबर तक की आपको एग्जाम में देखने को मिलती है सीएसएम एक मॉडरेट लेवल का टॉपिक है नेक्स्ट लिमिट कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियेबिलिटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं ठीक है और 16 नंबर से लेके 22 नंबर तक की आपकी लिमिट क्वांटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होती है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए अगर आप इस टॉपिक को कर रहे हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स करिए उन थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना शुरू करिए क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चन तो एनालाइस बेस्ड होते हैं आपको उसी हिसाब से उसकी इस टॉपिक की तैयारी करनी होगी नेक्स्ट अगर हम बात करें रिमान इंटीग्रेशन एंड बाउंडेड वेरिएशन की तो रिमान इंटीग्रेशन में 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपका देखा गया है ठीक है तो आपको उसी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करना होगा नेक्स्ट इसका टॉपिक आ जाता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में से हार्डली कभी वन आ, पार्ट बी में एक क्वेश्चन है या फिर पार्ट सी में एक क्वेश्चन है तो तीन से लेके 4.75 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से आया है तो आपको कोई जर... चलो नेक्स्ट मूविंग टू दी नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आप लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी डायरेक्शनल डेरीवेटिव कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ जो इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट आप इस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में देखते हो जिसमें आप आठ से लेके पंद्रह नंबर का मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो इस एक टॉपिक से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मैंने भी अपने चैनल में रियल्स की फ्री सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो कोई भी बच्चा जुड़ के पढ़ सकता है जो आई आई जैम दे रहा हो सी ई टी दे रहा हो गेट दे रहा हो या सी एस आर दे रहा हो उसके साथ साथ मैं आपको पी वाई की भी प्रैक्टिस कराती हूँ क्लासेज आपको रियल्स की ट्यूजडे और थर्सडे मेरे चैनल में अवेलेबल होंगी ठीक है टिल देन गुड बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो